यूपी के फतेहपुर जिले में आए सपा के राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय महासचिव विशंभर निषाद ने कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में सत्याग्रह अनशन के साथ मौन व्रत रखकर केंद्र व प्रदेश सरकार का विरोध करते हुए कहा कि जिस तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और सरकार हाथरस में किसी को जाने नहीं दे रही है और सपाइयों के ऊपर लाठी भांज रही है, जिसके लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा सांसद विशंभर निषाद ने कहा कि हाथरस कांड पर सरकार करें श्वेत पत्र जारी कि सरकार ने क्या कार्यवाही की। SIT से काम नहीं चलने वाला, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की कमेटी बनाकर वह इस घटना की करें जांच, तब सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। जी, आज सपा पार्टी की तरफ से आप लोग लोहियावानी की तरफ से आए हुए हैं, क्या आज आप किस बात के लिए धरने पर मौन व्रत धारण किए? इस बात के लिए बैठे, जैसे गांधी जी ने मौन व्रत करके और शांतिपूर्वक अंग्रेजों को भगाने का काम किया, उसी तरीके से आज जो योगी सरकार है उसको हम लोग शांतिपूर्वक मौन व्रत करके भगाने का काम करें। क्योंकि जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी, हाथरस में हमारी बहन के साथ निर्दयी काम हुआ है और पुलिस द्वारा ऐसा काम किया गया है, आप लोग खुद देखने वाले कि आज तक हिंदू धर्म विवाद के हिसाब से आप बताइए कभी भी रात की किसी के शव पर दर्शन किया गया नहीं, उसे घर वालों से इजाजत दी गई नहीं दी गई, ये क्या है? ये बिल्कुल बेलगाम पुलिस हो गई, योगी जी जैसे बेलगाम है उसी तरह से पुलिस बेलगाम होती है। हमारे कार्यकर्ता या कोई भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आवाज इनको उठाते हैं तो उनको दबाने का काम किया जाए। ये जो नौजवान किसान परेशान है उनके विषय में कोई याद नहीं सोच रहा, योगी सरकार बिल्कुल बैठी हुई है, तुम भी बैठ हुई हम लोगों के लिए किसी बात में हमें कॉल किया। और ये 2022 में आपको खुद देखने को मिले जिस तरह से नौजवान आज रोडों पर है, उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। सपा सरकार में बुलंदशहर और मथुरा जैसी घटना हुई थी तब उनको इस समय धरना प्रदर्शन सब कर रहे हैं, उस समय घटना उनको क्यों याद नहीं आ रही? जो शासन सत्ता में होता है उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है, जब SP व्यापारी की हत्या कराएगा, जब दलित महिला जो वाल्मीकि समाज की थी उसके साथ गैंग रेप होगा, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाएगी, उसकी जीभ काट ली जाएगी, उसकी गर्दन तोड़ दी जाएगी कि सर उठा के न चल सके, अपने पैरों न चल सके, जवान से बोल न सके, जीभ काट ली गई, ऐसी हैवानियत हमने दुनिया में कहीं नहीं देखी है। तो इन सब बातों को लेकर अगर विपक्ष नहीं उठाएगा मामला और पीड़ित परिवार से मिलने नहीं जाएगा, कौन जाएगा? और जो सत्ता में होगा उसी से सवाल किए जाएंगे। और पुरानी घटनाएं जितनी भी हमारी सरकार, मैं फतेहपुर में आप याद करिए एक पत्रकार सोनी मारा गया था, मैं उस समय प्रदेश सरकार में मंत्री था और माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, हमने रातों रात जो है FIR नहीं हो रही थी सोनी पत्रकार के मर्डर की, हमने रातों रात आके FIR कराई और उसमें मुकदमा लिखवाया, गिरफ्तार कराया गया और DGP जबकि आचार संहिता लगे DGP यहाँ तुरंत आए थे और तुरंत SP सस्पेंड किए गए, SP खिलाफ कार्रवाई हुई थी। तो समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा जो है कोई संवेदनशील घटनाएं होती है तो उसमें एक्शन लेते हैं, जो लोग कहते हैं तो उनके बस का नहीं है सरकार चलाना। अब ये लोग तो कहते हैं जो पाए ठोक दो, प्रदेश में कितने जो अपराधी घूम रहे हैं उनको नहीं ठोक रहे, जो बलात्कारी उनको नहीं ठोक रहे, देश दिल्ली से लगा